पंडित नेहरू और अब्बास साहब के बीच कई मुलाकातों का सिलसिला हुआ, जिसका जिक्र अब्बास साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में माई लॉन्ग लव अफेयर चैप्टर में किया है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन के सौजन्य से उन्हीं मुलाकातों की झलकियां इस 6 एपिसोड की पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर एक नेता और एक कलाकार के बीच किन मुद्दों पर गुफ्तगू हुई, चलिए सुनते हैं। कुछ यादें, कुछ मुलाकातें। मैंने जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू को देखा तो पहली नजर ही में उनसे मुझे इश्क हो गया। जहन के इसी आलम में एक दिन आधी रात को हम अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी कर रहे थे कि हमें मालूम हुआ कि कल सुबह कलकत्ते मेल पर दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे जवाहरलाल अलीगढ़ से गुजरेंगे। पंडित जी, आप फर्स्ट क्लास में सफर क्यों कर रहे हैं? आई सपोज आई एम टू मच ऑफ अ पेटीट बुर्जुआ येट। आई हैव नॉट येट सफिशिएंटली डीक्लास्ड माईसेल्फ। सीधे सीधे किया गया यह एतराफ कि मैं मामूली सा बुर्जुआ हूं और मैं अभी तक खुद को लाजमात नहीं कर सका हूं, बेहतर जवाब था। कम अज कम वो इंकलाब की जबान तो बोल रहे थे। इनकलाब, 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 इनकलाब। जवाहरलाल अपनी छोटी सी सुर्ख डायरी में कुछ लिख रहे थे। मैंने इनकलाब का सुर्ख रंग देखा और मैं मुतमईन हो गया। आखिरकार मेरे मुंह से एक सवाल निकल पड़ा। पंडित जी, अपने मुल्क में इंकलाब लाने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने अपनी छोटी सी सुर्ख डायरी जेब में डाल ली। पहले अपने जहन में इंकलाब लाकर ही मदद की जा सकती है। वो हम कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है, अपने जहन में इंकलाब कैसे ला सकते हैं? अब सवाल करने की बारी सिप्ते हसन की थी। पंडित जी ने जवाब देने से पहले उस पर गौर किया। किताब के मुताले में मसरूफ डॉक्टर महमूद ने भी किताब पर से नजर उठाई। हम सब सोच रहे थे कि पंडित जी हमें रूसी इंकलाब या आयरिश इंकलाब की मिसाल देंगे, उनकी स्ट्रेटजीज की तारीफ करेंगे, या शायद हमसे कहेंगे कि कार्ल मार्क्स की कैपिटल या लाइफ ऑफ लेनिन या गालिबन महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ जैसी कुछ किताबें पढ़ें। ताहम सब इस जवाब के लिए तैयार न थे जो उन्होंने हमको दिया। सवाल पूछने पर बजित होकर हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे जलजला खेज सवाल का ये कैसा जवाब था? फिर वही दिलकश रमजिया मुस्कुराहट। तब तक किसी बात का एतबार ना करें जब तक आपको खुद उस बात का यकीन नहीं हो जाता। ये बात ख्वाह आपके वालिद ने कही हो या आपके दादा ने, किसी उस्ताद ने कही हो या किसी प्रोफेसर ने, किसी लीडर ने कही हो या किसी पंडित ने। गाड़ी ने किसी ऐसे स्टेशन पर पहुंचने से पहले खूब झटके दिए जहां पर उसकी पटरी बदलनी थी। रुकनी नहीं थी, वो भी अपनी पटरी बदलते हुए दिखाई दिए। आप लोगों के सब्जेक्ट्स क्या हैं? तारीख। हम सब हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। तारीख को सिर्फ पढ़िए मत, तारीख की तश्कील का मुशाहिदा कीजिए, हिस्ट्री को बनते हुए ऑब्जर्व कीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी में या उसके आसपास कुछ गांव हैं क्या? हमने उनको कुछ ऐसे गांव बताए जो यूनिवर्सिटी से सिर्फ 1 मील के फासले पर वाक़े थे। वहां जाइए, गांव वालों से सवाल कीजिए, वो किसकी ज़मीन पर हल चला रहे हैं, किसकी ज़मीन है वो, करता क्या है वो, खुद क्या कर रहे हैं, हर फसल के कटने पर वो फसल का कितना हिस्सा उठा कर ले जाता है, किसान के लिए क्या बचता है। और आपको हिंदुस्तान में जागीरदारी इस्तेहसाल की बुनियादी हकीकतें समझ में आने लगेंगी। और किसी को ये मत कहने दीजिए
कि खुदा की मर्जी यही है कि किसान गुर्बत में जिए और जागीरदार इमारत के मजे लें। गाड़ी अब अलीगढ़ के नजदीक पहुंच रही थी, लिहाजा मैंने ऑटोग्राफ बुक निकाली और पंडित जी को पेश कर दिया। उन्होंने उस पर कुछ तहरीर किया और बुक मुझे वापस कर दी। अगले पल हम गाड़ी में से प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ उतर रहे थे, जहां साथ की पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने जय जयकार से बेनियाज पिछले दरवाजे में खड़े होकर हमें रुखसत किया। रेल की पटरी पार करके मैंने पीछे मुड़ कर देखा, वो अभी भी दरवाजे में खड़े हुए मुस्कुराते हुए हमारी तरफ हाथ हिला रहे थे। अब आखिरकार मैंने ऑटोग्राफ बुक खोली और हम सब ने पढ़ा, पुरखतर जियो जवाहरलाल नेहरू, लिव डेंजरसली जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल वाइस चांसलर के मेहमान बनकर यूनिवर्सिटी आए, उसी की रिहाइश गाह पर कयाम किया और उन्होंने मुख्तसर से यूनियन हॉल में नहीं बल्कि उससे कहीं बड़े स्ट्रेची हॉल में जलसे से खिताब किया, जिसकी सदारत खुद सर रॉस मसूद ने की। जवाहरलाल ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, जनाब वाइस चांसलर साहब और यूनिवर्सिटी के नौजवान स्टूडेंट्स, मुझे सपने देखने वाला कहा जाता है, मैं चाहता हूं कि आपको भी सपने देखने वाला कहा जाए, लेकिन शर्त यह है कि आपके सपनों का कोई ताल्लुक हकीकत से होना चाहिए। मुल्क में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा नहीं है जिनको ये हुनर अता किया गया हो। आप लोग पढ़िए कि फासिज्म इटली में क्या कर रहा है और हिटलर जर्मनी में क्या कर रहा है। यूएसएसआर को देखिए कि वहां पर कैसा शानदार बेमिसाल तारीखी काम हो रहा है, इकोनॉमी की बेमिसाल और नए सिरे से तामीर हो रही है। बड़ी बड़ी ताकतें आज दुनिया को एक जलजले की तरह झिंझोड़ रही हैं। आपका मुल्क आजादी की जंग लड़ रहा है। आप नहीं सोचते हैं कि आपको इस काम का अहद करना चाहिए। इन यूनिवर्सिटियों में कभी आपने अपने उन भूख से मर रहे हड्डियों के ढांचे बने हम वतनों के बारे में सोचा है? कभी आपने खुद से सवाल किया है कि उन लोगों को क्या हुआ है और क्या वो हमेशा इसी तरह भूख और गुर्बत का शिकार बने रहेंगे? इस जद्दोजहद में आपकी हिस्सेदारी क्या है? असल हिंदुस्तान इन दीवारों के बाहर है और अगर हम वक्त के साथ साथ नहीं चलेंगे तो मुमकिन है कि असल हिंदुस्तान चीजों को अपने हाथ में ले ले और हमसे आगे निकल जाए। अलीगढ़ के आमतौर पर मुखालिफ पसंद आर्टिफिशियल और इंडिफरेंट स्टूडेंट्स की तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट के दरमियान वो बैठ गए और एक स्टूडेंट ने वोट ऑफ थैंक्स की बेतुकी तकरीर करी। जवाहरलाल नेहरू आए और चले गए, मगर उनकी तकरीर ने यूनिवर्सिटी की जिंदगी के ठहरे हुए पानी को मथ दिया। उन्होंने हमें हमारी जिम्मेदारी से रूबरू कराया, जिम्मेदारी कौम के तहीं, जिम्मेदारी अपने लोगों के तहीं, जिम्मेदारी तारीख के तहीं। क्या ये तकरीर हमारी जिंदगियों को, हमारे तर्ज हयात, हमारे अंदाज फिक्र को मुतासिर करेगी या हम उसको भी दीगर तकरार की तरह अदा हुई, सुनी गई, भुला दी गई के तौर पर ले लेंगे? मुझे मालूम था कि हम में से कुछ लोगों के लिए ये महज एक तकरीर नहीं थी, बहुत कुछ और भी थी। यही जवाहरलाल नेहरू की खूबसूरती थी, उनके मिजाज की शोखियां तूफानी बादलों की तरह थीं। जब उनकी भड़ास निकल जाती थी तो एक शोख मुस्कुराहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। मेरे वतन की जमी के उदास सांचल में नाज
रंग न खुशबू भरी हुई है धूल, खबर नहीं है कि किस दिल जलेगी राख है ये, कि सर झुका के पहाड़ों ने भी किया है कबूल। सुना है जिसकी चिता से ये खाक काई है, वो फसल गुल का पयंबर था अहद नौ का रसूल। उसे खबर थी खिजां किस चमन में सोई है, वो जानता था कि क्या है बहार का मामूल। सिखाया कश्मकशे जंगो अमन में उसने, जराहतों को चमन बन दिए जहां का उसूल। उन्हीं दिलों में मोहब्बत की क्यारियां बोई, उगे हुए थे जहां सिर्फ नफरतों के बबूल। जो आज मौत के दामन में एक सितारा है, वो जिंदगी के गरेबां का था गुलाब का फूल। वफा का जिक्र ही क्या उसकी बेवफाई ने, खिराज इश्क मोहब्बत किया है हमसे वसूल। वो बरहमन के जिसे मस्जिदों ने प्यार किया, वो बुत शिकन के जो बज़्मे बुता में था मकबूल। वो जिस्म आज है जो संदलो गुलाब की राख, वतन की खाक के सजदों में अब भी है मशगूल। उतर रहा है कुछ इस तरह अपनी धरती पर के आसमां से जिस तरह रहमतों का नजूल। अब उसके फैज से बंजर भी लहलहाएंगे, खिलेंगे खारे बयाबां से भी बहार के फूल, खिलेंगे खारे बयाबां से भी बहार के फूल। अली सरदार जाफरी की ये नज़्म पंडित जवाहरलाल नेहरू पर।